चमचमाती लाइट्स और खूबसूरत नजारों के बीच रैंप पर वॉक करती ये मॉडल किसी बड़े शहर के अमीर घराने की लड़की नहीं बल्कि रांची के हिसार की दीपाली पांडे हैं। मॉडलिंग और डिजाइनिंग नए जमाने का जुनून है जिसका जादू नई पीढ़ी के सिर चढ़कर बोल रहा है। यही जादू दीपाली के सर पर भी चढ़ा। भारत के एक छोटे से शहर में मॉडल बनने का सपना देखना आसान नहीं है। दीपाली के लिए भी ये मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता की नजरों से छिपकर मॉडलिंग के गुर सीखे और ऑनलाइन कंपटीशन में भाग लेना शुरू कर दिया। आज उन्हें सफलता मिल रही है। जयपुर में नेशनल स्तर पर इंडिया चार्मिंग फेस का खिताब जीत चुकी दीपाली अब सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की तैयारी में है, तो उनके परिवार का हर सदस्य खुश है। तो पापा का कहना, पापा को नहीं सब पता था, इतना पता था मेरी बेटी बोलती है, पर छोटे में तो कोई नहीं सोचता ना सब। तो बोले नहीं, तुम लोग को जो करना पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, इसके बाद ये पढ़ाई इसके पापा का शौक है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बने, अपने पैर पे खड़े हो जाएं, इसके बाद अपना शौक तुम लोग। मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ इनसे, तो ये जैसे मम्मी पापा बताते हैं कि बचपन से ही बोलती हैं कि मेरे को उधर जाना है उधर जाना है, तो बस हम लोग बस बोलते हैं शौक है तो करो, फिर अपने को क्या पता था कितना आगे चले जाएंगे। मॉडलिंग के फील्ड को चुनौती मान रही दीपाली का मानना है कि कठिनाइयां तो सभी के साथ होती है, मगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और पूरे तत्परता से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक कठिन तो है, लेकिन बोला जाता है कि यू कैन हैव एक्सक्यूजेस या रिजल्ट्स, नॉट बोथ। तो एक्सक्यूजेस तो सबके पास है, सबके ही किस सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, किसके नहीं होते, लेकिन अब उन्हीं को पकड़ के बैठेंगे तब तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर कुछ अलग करना है तो हमें खुद पे भरोसा रखना होगा और बस चलते रहना हो। अब सिंगापुर की सफर है, हाँ, ये कैसा रहा? ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ अगर मैं जाऊँगी तो वहाँ पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी, और इंटरनेशनल में जाना खुद ही इतनी बड़ी बात है, तो इसके लिए अभी मेहनत चल रही है। दिन पर दिन मैं सोच रही हूँ कि बस अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँ, जितना टाइम मेरे पास है मैं अपने पे दूँ। दीपाली की आंखों में बचपन से ही मिस इंडिया प्रतियोगिता में रैंप पर चलने का सपना पल रहा था। वो अक्सर घर में ही रैंप मॉडल की तरह वॉक करती थी और हमेशा इस तरह के एक खूबसूरत मंच पर अपना प्रतिनिधित्व करना चाहती थी। आज उनका सपना पूरा हो रहा है। मॉडलिंग की दुनिया में आज उनकी अलग पहचान है। आज न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि झारखंड को उन पर फख्र है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।